आज के हमारे चैप्टर का नाम क्या है? सेट। सेट में सबसे पहले हमको कुछ नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। एन फॉर नेचुरल नंबर। एन फॉर क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1, 2, 3 इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी, क्योंकि नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते। नेचुरल के बाद आता है हमारा डब्ल्यू फॉर होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या है? ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा इन्फिनिटी। ओके, क्योंकि नंबर इज अनकाउंटेबल। नेक्स्ट आता है इंटीजर। इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। ओके, किससे डिनोट करते हैं इंटीजर को? आई से डिनोट किया जाता है। और ये जो होता है ये एक नंबर लाइन की तरह होता है, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा इन्फिनिटी एंड -1, -2, -3। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा रहेगा क्यू। क्यू इज़ अ रैशनल नंबर। क्यू क्या होता है? रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं? पी बाय क्यू फॉर्म में होते हैं, लाइक 3/2, 1/2, ओके, 1 एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो है हमारा आर। आर इज़ अ रियल नंबर। आर क्या होता है? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ऑल नंबर्स आर सब किस में आ जाते हैं? रियल नंबर में आ जाते हैं। अब हमको आज यहाँ पर 9th स्टैंडर्ड, ये जो सेट चैप्टर है ये 9th स्टैंडर्ड का है, तो 9th स्टैंडर्ड में हम देखेंगे सेट्स के बारे में। यहाँ पर हम दो मेथड आज पढ़ने वाले हैं। एक मेथड जो है वो है लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग को और हम क्या कहते हैं? रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड, ठीक है। और दूसरा जो हमारा रूल होगा वो होगा रूल मेथड। ठीक है, पहला जो है हमारा वो क्या है? लिस्टिंग। लिस्टिंग को और कौन सा मेथड बोलते हैं? रोस्टर मेथड। और दूसरा जो है हमारा वो क्या है? रूल मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिस्टिंग मेथड देखेंगे। दिस इज़ अ वेरी सिंपल मेथड। लिस्टिंग मेथड में क्या है? एवरीथिंग या रोस्टर फॉर्म जिसको हम कहते हैं, कोई भी चीज़ हमको किसमें स्टेटमेंट में देनी है? नंबर फॉर्म में देनी है। एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 दिस इज अ रोस्टर लिस्टिंग मेथड। यानी लिस्टिंग मेथड में हम लोग कोई भी चीज़ या तो नंबर फॉर्म में लिखते हैं या तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया आपका लिस्टिंग मेथड, एल फॉर लिस्टिंग मेथड। अब इसी सेट को मुझे किस में कन्वर्ट करना है? रोस्टर फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करना? सॉरी, रोस्टर नहीं, रूल मेथड। नेक्स्ट आपका क्या है? रूल मेथड। इसमें कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप नंबर को देखोगे कि नंबर क्या है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये लग रहा है कि ये नंबर्स इवन नेचुरल नंबर है, इवन नंबर जो 2 के टेबल्स में आते हैं। तो ये सारे नंबर्स किस में आ गए? आपके इवन में, इवन नंबर में। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक्स ऑलवेज कोई भी अल्फ़ाबेट ए से लेके ए टू जेड में कोई भी अल्फ़ाबेट आप ले सकते हो। x, सपोज मैंने क्या लिया? x। इस लाइन को क्या बोलते हैं? सच दैट x, सच दैट x इज अ, x इज एन इवन सेट ऑफ, हाँ, इवन नेचुरल नंबर्स। बट कहाँ तक है ये नेचुरल नंबर? 14 तक है। 14 तक है, इट मीन्स दैट मैं ये कह सकती हूँ लेस देन 15। मैं ये कह सकती हूँ कि ये इवन नेचुरल नंबर है बट लेस देन 15। 15 के अंदर तक के ही नंबर है, 15 से बड़ा कोई नंबर गया है नहीं। और 15 इज़ अ ऑड नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ ऑड नंबर। क्योंकि दो टाइप के नंबर होते हैं, मैं बता देती हूँ। इवन नंबर, इवन नंबर्स क्या होता है? 2, 4, 6, 8, ओके, जिसके पेयर्स होते हैं।